तो फाइनली आज हम बात करेंगे भाई कैलाश डीजे खागा वाले। तो जो आप लोग देख रहे हैं ये पब्लिक नाच रही है, ये कैलाश डीजे के पीछे नाच रही है, और जो ये सफ़ेद शर्ट में नाच रहे हैं ये हैं कैलाश भाई के लड़के नीरज। और हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते चलें कि ये डीजे जो होता है कितने दिनों के बाद, कितने दिनों से मेहनत करके एक सेटअप तैयार होता है। अब बहुत लोग जानकारी करते हैं भाई, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि कैलाश डीजे ने क्या लगाया था, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बता सकें कि इस कैलाश डीजे ने क्या लगाया था। तो ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। तो मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ कि जो कैलाश डीजे ने लगाया था खागा में, जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो इन्होंने जो लगाई थी वो 18 इंची की बेस लगाई थी। हाँ दोस्तों, बीटा कंपनी की थी, यानी कि बीटा 3 की लगी थी, और स्पीकर जो लगे थे चैलेंजर्स के लगे थे 15 इंची, और जो हाइस की बात करता हूँ तो 450 लगी थी, और 7 भी लगी थी, प्लस 518 भी लगी थी। और ये देख रहे हैं जो सभी सेट में टीम, इनकी मदद से ये एक सेटअप तैयार होता है। अगर मैं बात करता हूँ तो बजाने वाले भाई जैसे AKJ, यानी कि तो जो गाइस ये ऑलरेडी गाने को मिक्स करते हैं, और हमारे साथ देख रहे हैं जो इतनी SR आप लोग गाइस देख रहे हैं ना, 17, 15, 20 की हुई हैं, और जो इतनी देख रही है ये DJ की SRP देख रही है। मैं आपको वीडियो के माध्यम बताता हूँ कि जब भी कोई भी सेटअप बनता है काफ़ी मेहनत से बनता है, चाहे DJ हो, हमारे लिए सब DJ होता है, सब अच्छे होते हैं। मैं आपको अभी बताता चलता हूँ, यह है कैलाश डीजे का राज, और यह है AKJ इलाहाबाद के। चलते हैं, बाय बाय।